केंद्र ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन खारिज करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उत्तराखंड हाईकोर्ट के सदस्यता रद्द होने के फैसले के खिलाफ 9 बागी कांग्रेस विधायक भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के मामले पर कहा, उत्तराखंड में संविधान का पालन नहीं किया गया था। वेंकैया नायडू ने साथ ही कहा, मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है और हमें अंतिम फैसले का इंतजार करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भूस्खलन में 16 मजदूरों की हुई मौत, जबकि कई लोग घायल हुए। भूस्खलन के मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका, राहत और बचाव कार्य जारी। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद राहत व बचाव दल मौके पर पहुंचा और दबे लोगों को निकालने के काम में लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तवांग में हुए भूस्खलन में मारे गए लोगों के प्रति शोक जताया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बाढ़ और सूखे से प्रभावित राज्यों को केंद्रीय सहायता देने के लिए हुई उच्च स्तरीय बैठक। कर्नाटक के लिए 723.3 करोड़ रुपए, पुडुचेरी के लिए 35.14 करोड़ रुपए और भूस्खलन से प्रभावित अरुणाचल प्रदेश के लिए 84.33 करोड़ रुपए प्रदान करने को दी गई मंजूरी। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि और गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। भारत जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को लेकर आज न्यूयॉर्क में करेगा हस्ताक्षर। वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी लाने के लिए पिछले साल दिसंबर में 196 देशों ने समझौते को किया था स्वीकार। बीते बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने को दी गई मंजूरी। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भारत की तरफ से समझौते पर एक उच्च स्तरीय समारोह में करेंगे हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद एक साल में 1,13,00,000 उपभोक्ताओं ने छोड़ी एलपीजी गैस सब्सिडी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की प्रधानमंत्री की अपील हुई कारगर साबित। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, प्रधानमंत्री बलिया से 1 मई को उज्ज्वला योजना की करेंगे शुरुआत, 1.5 करोड़ गरीबों को बांटेंगे एलपीजी कनेक्शन। चुनाव आयोग ने की विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अधिसूचना जारी। 3 राज्यों में 16 मई को होगा मतदान। चुनाव आयोग ने मेघालय के तुरा, अरुणाचल प्रदेश के कनुबरी और झारखंड के कोडा और पनकी में होने वाले उपचुनावों के लिए भी अधिसूचना जारी की, जहां 16 मई को होने हैं उपचुनाव। बढ़ते तापमान से देश के कई इलाके हुए बेहाल। ओडिशा के तीतलागढ़ में पारा 48.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। ओडिशा सरकार ने सभी शहरी क्षेत्रों में गरीबों को मुफ्त पेयजल की व्यवस्था की घोषणा की। देश के कई हिस्सों में गर्मी और लू के प्रकोप से मरने वालों की तादाद बढ़ी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी से अब तक 100 से अधिक लोगों की हुई मौत। भारत ने 2015 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिहाज से टॉप डेस्टिनेशन के रूप में चीन को पछाड़ा। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को 63 अरब डॉलर मूल्य की FDI परियोजनाएं मिली। इस दौरान परियोजनाओं की संख्या भी 8% बढ़कर 697 हुई। ऐसे समय में जब विकास दर में कमी और महंगाई से ज्यादातर देशों को जूझना पड़ रहा है, भारत ने FDI के बढ़ते प्रभाव से पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वहीं चीन के पूंजी निवेश में 23% की आई है कमी। स्टार्टअप के लिए सरकार ने की एक ट्विटर सेवा की शुरुआत। इसके जरिए अब नए रोजगार शुरू करने वाले युवा सीधे अपने सवालों और समस्याओं के हल सरकार से हासिल कर सकेंगे। सरकार स्टार्टअप के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है। ट्विटर पर #MOCIsewa टाइप करते ही वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी समस्याओं के हल और जवाबों के साथ रहेंगे तैयार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को किया ढेर। इलाके में नक्सलियों के छिपे होने की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। नक्सलियों द्वारा गोलीबारी करने पर सुरक्षा बलों ने की जवाबी कार्रवाई। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दोनों नक्सलियों को किया ढेर। मुठभेड़ स्थल से IED, वायरलेस सेट और हथियार बरामद किए गए। विश्व भर में आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड अर्थ डे। ये एक खास दिन है जो हमें याद दिलाता है कि हम अपने ग्रह को सुरक्षित रखने के दायित्व आपस में बांटें। इस साल के अर्थ डे की थीम है ट्री फॉर द अर्थ, यानी पृथ्वी के लिए पेड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अर्थ डे के मौके पर धरती को स्वच्छ और हरा भरा रखने की प्रतिबद्धता पर दिया जोर। उज्जैन में आज से सिंहस्थ कुंभ मेला हुआ शुरू। महीने भर तक चलने वाले कुंभ में शाही स्नान के लिए हजारों की तादाद में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सिंहस्थ कुंभ जूना अखाड़ा के साधु संतों के आज सुबह पवित्र शिप्रा नदी में शाही स्नान करने के साथ हुआ शुरू। उज्जैन में सिंहस्थ मेला 1 माह 22 अप्रैल से 21 मई तक चलेगा। मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए गए हैं खास इंतजाम। महाराष्ट्र में IPL 9 के मैच आयोजन से संबंधित याचिका को लेकर महाराष्ट्र और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अपनी अर्जी में एसोसिएशन ने महाराष्ट्र में मैच कराने की मांग की। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में IPL मैच के आयोजन पर लगाई थी रोक। देश के शीर्ष क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने कतर के दोहा में खेली जा रही एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2016 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आडवाणी ने सीरियाई खिलाड़ी करम फातिमा को आसानी से 5-0 से हराया।